नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पे। शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी। मंच पर कुल 70 कुर्सियां लगाई गई। इन 70 में से 48 कुर्सियां लगी अलग, विशिष्ट मेहमानों के लिए आगे लगाई गई कुर्सी। 22 कुर्सियां स्टेज की पहली लाइन में लगी। मुख्यमंत्री समेत 51 का मंत्रिपरिषद होगा। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी। मंच पर कुल 70 कुर्सियां लगाई गई। इन 70 में से 48 कुर्सियां अलग लगी, विशिष्ट मेहमानों के लिए आगे लगाई गई कुर्सी। 22 कुर्सियां स्टेज की पहली लाइन में लगी। मुख्यमंत्री समेत 51 मंत्रिपरिषद में होंगे। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो मंच पर कुल 70 कुर्सियां लगाई गई है। इन 70 में 48 कुर्सियां अलग लगी हैं। वहीं पहली पंक्ति की बात की जाए तो 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम पंक्ति में लगी हैं। मुख्यमंत्री समेत 51 का मंत्री परिषद होगा। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी। मंच पर कुल 70 कुर्सियां लगाई गई। इन 70 में से 48 कुर्सियां अलग लगी हैं, विशिष्ट मेहमानों के लिए आगे लगाई गई है कुर्सी। 22 कुर्सियां स्टेज की पहली लाइन में लगी हैं। भव्य स्टेज बनाया गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेज बनाया गया होगा, जब पहली पंक्ति में 22 कुर्सियां लगी हैं और पूरे स्टेज पे 70 कुर्सियां लगाई गई हैं। तो जो स्टेज इतना बड़ा है, तो कार्यक्रम आप सोच सकते होंगे कितना बड़ा भव्य होने वाला है। विशिष्ट मेहमानों के लिए आगे कुर्सी लगाई गई है। जो 22 कुर्सियां लगाई गई हैं पहली पंक्ति में, वो अति विशिष्ट मेहमानों के लिए है। मुख्यमंत्री समेत 51 मंत्रिपरिषद होगा। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई है। होल्डिंग पोस्टर, साथ ही बीजेपी के भगवा झंडे से पूरा रास्ता सजा हुआ है, पूरा रूट सजा हुआ है, रूट डाइवर्ट हो चुका है। आम जनता को हम जानकारी देना चाहेंगे कि इस रूट से ना, जो इकाना से लेकर अमौसी तक का रूट है, उस रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। उस रूट पे अब नहीं जा सकते हैं। वो रूट पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कृपया दूसरे रास्ते का उपयोग करें, उस रास्ते ना जाएं, क्योंकि उस पे जाने की अनुमति अब नहीं है। तो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, सुरक्षा की व्यवस्था पूरी की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से रूट डाइवर्ट किया गया है। वीआईपी वीवीआईपी के लिए खास इंतजाम किया गया है। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंच पर कुल 70 कुर्सियां लगाई गई हैं। भव्य मंच तैयार किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। सज गया है गाना, योगी की होगी ताजपोशी। नई ब्रिगेड में होंगे कई चेहरे, उद्योगपतियों को भी न्योता। शपथ ग्रहण की मेगा कवरेज प्राइम टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर कुल 70 कुर्सियां लगाई गई है। 70 में से 48 कुर्सियां अलग लगाई गई हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी के दूसरे कार्यकाल का आगाज इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह। योगी सरकार 2.0 की होगी आज से शुरुआत। योगी के दूसरे कार्यकाल का होगा आगाज। तो कई मंत्री आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, योगी की टीम में शामिल होंगे। तो वहीं कुछ को पदभार मुक्त कर दिया जाएगा, जो अपने तो कुछ आज खुश होंगे तो कुछ आज दुखी भी होंगे। तो कुछ की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो कुछ की जिम्मेदारियां घटेंगी। कई बड़े चेहरों को पदभार से मुक्त कर दिया जाएगा, तो वहीं कुछ को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो कुछ नेताओं के चेहरे खिले हुए नजर आएंगे, तो कुछ मुरझा भी सकते हैं, लेकिन नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। बीजेपी नए चेहरों को भी मौका देती है, और जो उम्र दराज जितने भी मंत्री हैं उनको पदभार मुक्त भी करती है या फिर अहम जिम्मेदारी देती है, लेकिन एक ही पद पर एक ही मंत्री को ज्यादा कार्यभार नहीं दिया जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार लेकिन कुछ अलग होगा। कई मंत्री ऐसे होंगे जिनका कार्यकाल फिर से दोहराएगा। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, हर रास्ते को सजा दिया गया है, भव्य बना दिया गया है। और इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि भगवामय हो गया है पूरा शहर।
लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं भगवामय हो गया है, हर तरफ भगवा पोस्टर बैनर लगे हैं। बीजेपी के जितने बड़े चेहरे बड़े मंत्री आ रहे हैं, सबका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है इन पोस्टरों के जरिए, और लाइंस सभी पोस्टर लगे हुए हैं इकाना के अंदर, बाहर से लेकर अंदर तक पूरे रास्ते पर रूट पर भव्य तस्वीरें लगाई गई हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया, हर एक बड़े चेहरे का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े चेहरों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। भव्य तैयारी देखने को मिल रही है, भगवामय हो गया है पूरा शहर आज। तो ताजपोशी होगी आज उत्तर प्रदेश के मुखिया की, एक बार फिर उनका कार्यकाल दोहराएगा, एक राजा की तरह राज किया 5 साल, एक बार फिर जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताया है और आज शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काफी लंबा समय ले लिया, 10 तारीख को जब 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट सामने आया तो काफी खुशी की लहर देखने को मिली, होली से पहले ही होली मनाई गई बीजेपी कार्यालय में, लेकिन आज का दिन जो है वो काफी भव्य है। ऐसा माना जा रहा है कि 10 मार्च में दूसरा होली मनाई गई, आज दिवाली मनाई जा रही है क्योंकि पूरा भगवामय हो गया है कहीं ना कहीं, जिस तरह से सड़कों को रोशनी से लाइटों से झालरों से सजाया गया है, दिवाली आज मनाई जा रही है, तो दोनों बड़े त्योहार एक साथ मनाए गए हैं। और आज देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से पूरा माहौल भगवामय हो गया है, भगवाई भगवा हो गया है, भगवा होली देखने को मिली और आज पूरा जो लखनऊ शहर है वो भगवामय कर दिया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है बीजेपी के झंडे लगे हैं, और अगर बात करी जाए तैयारियों की तो तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, मंच भी सज चुका है और अब समय का इंतजार है कि कब 4 बजेगा और 4 बजे कब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे निर्धारित समय पर। मंच पर कुल 70 कुर्सियां लगाई गई हैं, इन 70 में से 48 कुर्सियां अलग लगी हैं, बाकी कुर्सियां विशिष्ट मेहमानों के लिए आगे लगी हैं, 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम पंक्ति में लगी हैं। मुख्यमंत्री समेत 51 का मंत्री परिषद होगा, उनको पदभार दिया जा सकता है। और अगर बात करी जाए महंतों की तो आचार्य बालकृष्ण पहुंच चुके हैं महंत के रूप में, निरंजन अखाड़े के प्रमुख कैलाशानंद पहुंच चुके हैं, सभी की तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। तो बड़े महंतों को भी बुलाया गया है, वो चाहे आदरणीय योगी जी कर्मठ हैं, पुरुषार्थी हैं, तपस्वी हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, तो ऐसे राष्ट्रवादी संस्कृति और हमारी परंपरा का पोषक व्यक्तित्व जब राजसत्ता पर आसीन होता है तो वह सबके लिए सबके कल्याण के लिए सोचता है, इसीलिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक संस्कारी सरकार फिर पुनः आरूढ़ हुई है और ये एक ऐतिहासिक शपथ कार्यक्रम है। ये शपथ कार्यक्रम राष्ट्रवाद का है, सुरक्षा का है और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो विकास को एक नए पथ पर ले जाने का है। हिंदुस्तान एक नई अंगड़ाई ले रहा है और नई करवट ले रहा है और आने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका ये लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार यूपी सरकार बनी है, क्या ऐसा लगता है हिंदुत्व को कितना आगे ले जाएंगे? देखिए हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व है जो सबके लिए सोचे, सबकी बात करे, सबको साथ लेकर चले, सबके विकास की बात करे, यही तो हिंदुत्व है और उसी का ही शुरुआत ये है कि जहाँ सब साथ साथ चलेंगे और यही हिंदुस्तान है, यही भारत है और यही मोदी और योगी युग की शुरुआत है जो सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। धर्मस्थलों के महंत भी पहुंच रहे हैं आज इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अभी आपने देखा कि अयोध्या, मथुरा, काशी सभी से बड़े चेहरे महंतों के पहुंच रहे हैं, सभी महंत पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और गीत संगीत भी गाएंगे, शंखनाद करेंगे। जब सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहीं महंतों का कहना है कि नए पथ की नई लड़ाई है, नई करवट है, देश नई करवट ले रहा है, हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है, हिंदुत्व की बात करते हुए भी नजर आए हैं ये महंत। अभी आपने सुना तो इकाना स्टेडियम पहुंचने की तैयारी में है और धीरे धीरे करके सभी मेहमान पहुंच रहे हैं लखनऊ के
अब मौसी एयरपोर्ट से हमने आपको महंतों की बयान सुनाए, किस तरह से उनमें खुशी देखने को मिल रही, उमंग देखने को मिल रही है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और साधु संतों को भी इस भव्य कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा गया है, काफी खुश नजर आ रहे हैं दोबारा सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से। और एक भव्य नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे तो ये जितने भी साधु संत पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीश पहुंच रहे कार्यक्रम में, तो वो शंख नाद कर सकते हैं उस वक्त। एक अलग अद्भुत नजारा होने वाला है आज, योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण खास होने वाला है, भव्य होने वाला है। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, भव्य होने वाला है, सब महंत भी पहुंच रहे हैं, जहां बड़े चेहरों को, उद्योगपतियों को बुलाया गया है, अलग ही तरह से मनाया जा रहा है ये शपथ ग्रहण समारोह। सिर्फ बड़े बॉलीवुड के चेहरों को, सितारों को या डायरेक्टरों को नहीं, उद्योगपतियों को ही नहीं, साधु संतों को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस तरह से महत्व देखने को मिलता है, पूजा पाठ का महत्व देखने को मिलता है हिंदू धर्म में, और उस चीज का काफी ध्यान रखती है बीजेपी। कभी भी जिस तरह से हमने देखा पूरे प्रचार के दौरान, जब भी किसी जगह प्रचार के लिए गए हैं बीजेपी के बड़े चेहरे, तो उन्होंने सबसे पहले मंदिर जाके माथा टेका, उसके बाद अपने प्रचार प्रसार को शुरू किया। और आज जब इतना बड़ा दिन है, जब शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने इन संतों को एक अलग ही सम्मान दिया है, शपथ ग्रहण में अलग स्थान दिया है, बुलाया है पूरे सम्मान के साथ, और संत समाज में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कई बड़े चेहरों को, मठाधीशों को बुलाया गया है, काशी, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन, सभी जगह के बड़े चेहरों, बड़े मठाधीशों को बुलाया गया है, साधु संतों को बुलाया गया है इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए। और इस खबर पर हमारे सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त भी सीएम आवास पर मौजूद हैं। विभांशु, धीरे धीरे करके सभी मेहमान पहुंच रहे, बीती शाम से ही पहुंच रहे, तो वही अब साधु संत भी पहुंच रहे हैं। जिस तरह से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी खुशी जाहिर की है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर, हिंदुत्व एक बार जिस तरह से फिर से बढ़ रहा है योगी के दोबारा शपथ ग्रहण करने पर, तो खुशी जाहिर कर रहे हैं। और किस तरह से साधु समाज को देखते हैं आप, उनमें जो खुशी है किस तरह से व्यक्त करेंगे? आप मुझे सुन पा रहे हैं विभांशु? जी, जिस तरह से साधु समाज में, संतों में खुशी की लहर है दोबारा से शपथ ग्रहण को देखते हुए योगी के, और हिंदुत्व को बढ़ने की बात, बढ़ाने की बात करते हुए नजर आए हैं साधु संत, किस तरह से देखते हैं? जो कि चुनाव से पहले भी अपने हिंदू धर्म को लेकर इन सब जो संस्कार संस्कृति है उनकी बात करती है, उसी क्रम में जो भी है, चाहे बात की जाए तो सरकार बनाने से पहले पूजा अर्चना या नॉमिनेशन से पहले या विधायक उनके जो उनके टिकट मिला वो मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं। तो इससे साफ तौर से हम देख सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में जो एक धर्म के प्रति भारत है, जो भाजपा का एक अपूर्ण झुकाव रहा है, तो वो कहीं ना कहीं देखे तो आज के शपथ ग्रहण में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने विशेष तौर से जो साधु संत है उनको भी बुलाया गया और उन्हें भी शिरकत करने की बात कही जा रही है। तो देश भर से साधु संत आ रहे हैं। वहीं इस वक्त में मौजूद सीएम आवास पे, जहां पे आजमगढ़ से आए कलाकारों के प्रदर्शन चल रहे हैं, वो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां ये इस डांस को हम हुदिया डांस कहते हैं, जो कि ये कलाकार आजमगढ़ से चल के आए हैं। पूर्वांचल और बिहार के जगहों में इस डांस का काफी महत्व रहता है, हर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे शादी विवाह से लेकर हर एक खुशियों के त्योहारों में ये डांस होते हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं, तो पूर्वांचल की संस्कृति सभ्यता का भी एक प्रदर्शन सीएम ऑफिस के बाहर किया जा रहा है, और ये कलाकार आजमगढ़ से आए हैं। जिसका क्या इस तरह की कला का प्रदर्शन इकाना स्टेडियम में भी देखने को मिलेगा विभांशु? क्या ऐसे कलाकारों को भी बुलाया गया है आज कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए? जिसका हम देख सकते हैं कि प्रदेश भर से कलाकार वहां आए हैं, वो अपने कला से अपने जिले या अपने मंडल या क्षेत्र का प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हुदिया डांस से आजमगढ़ की पहचान कही जाती है, हुदिया डांस, और पूर्वांचल और बिहार में खास कर से इसका मांग है। जैसे माना ये भी जा रहा है कि पूर्वांचल का जो सुप्रसिद्ध डांस है हुरका या फरवाही,
तो ये भी कलाकार वहां मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकती हैं कि यहाँ सीएम आवास के बाहर चहल पहल बनी हुई है। वहीं आप देख सकती हैं कि यहाँ पे विधायक और जो संभावित मंत्री चेहरे हो सकते हैं वो भी वहाँ आना जाना लगा हुआ है। इस वक्त मेरी भाजपा की आपके आगरा से प्रत्याशी रही और जीत के आई है, जो की उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल रही है बीबी वानी मौर्य, उनकी गाड़ी सीएम आवास के अंदर गई है और अंदर में राम नवीन अग्रवाल भी जो की हरदोई से विधायक बन के आए हैं उनको भी अंदर मौजूद बताया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि जिन विधायकों को सीएम आवास से कॉल जा रहा है वो सीएम से मिलने जा रहे हैं। और कुछ समय पहले जो भाजपा के सबसे श्रेष्ठ विधायकों में से एक आपके सुरेश खन्ना, उनको भी अंदर बुलाया गया और अंदर एक मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग में वही बताया ये भी जा रहा है कि अभी भी जो विधायक चुन के आए हैं, चाहे सहयोगी दल की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, तो जो भी विधायक चुन के आए हैं उनके अंदर भी उनकी भी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी भी नामों के खुलासा नहीं किए गए हैं। और लगभग माना ये जा रहा है कि 12:30 बजे के करीब मंत्री जो बनेंगे उनको फोन जाएगा। जैसे कहा जी विभाषु, एक सवाल मेरे मन में और उठ रहा है कि जिस तरह से साधु समाज के कई बड़े चेहरों को बुलाया गया है, बड़े बड़े मठाधीशों को बुलाया गया है, तो क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य है? क्या मंत्रोच्चारण के साथ आज ताजपोशी होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शंखनाद करेंगे और जिस तरह से वो गीत गा सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि योगी मोदी के लिए गीत गाते हुए साधु संत आए हैं, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है शपथ ग्रहण के दौरान? अगर बात करें तो आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले जो पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्णन है वो लखनऊ एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। अमौसी एयरपोर्ट पे उनका जो विशेष विमान है वो लैंड कर चुका है। वही साथ ही साथ देश भर से साधु संतों को बुलाया गया, चाहे बात की जाए मथुरा से, चाहे बात की जाए आपके काशी से, चाहे बात की जाए अयोध्या के जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है चंपत राय से लेकर हर एक बड़े साधु संत और पीठाधीशों को बुलाया गया है। और ठीक देखिए कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो वीवीआईपी है उनकी गाड़ियां आ रही हैं और उसी कड़ी में हम इस बार में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं पिताजी यहाँ धीरे ही धीरे विधायकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और मीटिंग के तौर पर सीएम आवास के बाहर हर एक विधायक धीरे धीरे जा रहा है और लगभग अभी तक 20 से ऊपर विधायक अंदर जा चुके हैं। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर लौटे हम आपके सवाल पे, तो आप आज देख सकते हैं कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उस दौरान जो प्रदेश भर के मंदिर हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह घंटिया बजाते हुए दिख रहे थे। और साथ ही साथ जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो एक विशेष धुन के साथ शपथ ग्रहण से ठीक पहले एक विशेष धुन बजाई जाएगी। और वहीं अगर देखा जाए तो मंत्र उच्चारण के बाद, जो कि योगी आदित्यनाथ खुद में एक महंत है और गोरखपीठ के अध्यक्ष भी है, महंत है गोरखनाथ के, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक महंत कुर्सी पे बैठा है सीएम के, तो उसके जो है पूजा अर्चना के बाद ही वो अपनी कुर्सी को संभालेगा, अपने दायित्व को निभाएगा। और उसी क्रम में देश भर से संतों को बुलाया गया है कि मंत्र उच्चारण और पूजा अर्चना के बाद इस दूसरे कार्यकाल को शुरुआत की जाएगी। जैसे कहा जी विभाषु, अगर बात करें कुर्सियों की, जो सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है मंच पे, क्योंकि एक भव्य मंच बनाया गया है और एक ही पंक्ति में 70 कुर्सियां लगाई गई हैं, तो पूरे मंच पर जो 70 कुर्सियां लगाई गई हैं और उसमें से 48 कुर्सियां अलग लगाई गई है, सबका आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया गया, तो किस तरह से देखते हैं इन सीटिंग अरेंजमेंट को? इसी का अगर बात करें तो 48 कुर्सियों को एक पास लगाया गया है और वही टोटल 70 कुर्सियां लगाई हैं, तो माना ये जा रहा है कि जो 48 से बाकी कुर्सियां हैं वो संगठन के पदाधिकारियों के लिए बैठने की जगह होगी। वही अगर बात करें तो जो 48 की सीट होगी उस 48 के सीटों पे वो हो सकता है कि इससे हम ये मान सके कि जो अगले कैबिनेट होगी योगी आदित्यनाथ की, जो आज शपथ लेंगे, उसमें 48 लोग हो सकते हैं। माना इससे ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि संभावित चेहरों में 48 टोटल, राज्य मंत्री की बात की जाए चाहे मंत्री की बात की जाए चाहे बात की जाए राज्य मंत्री की, तो 48 मंत्री हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो लगभग 70 से ऊपर लोगों के कोविड टेस्ट कराए गए हैं, तो उसमें संगठन और ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो मंच को साझा करेंगे, इन लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे और कुछ ही समय में इससे पर्दा उठ जाएगा कि मंत्री पद के शपथ कौन कौन ले रहा है,
वही माना ये भी जा रहा है कि मंत्री पद में जो आपके लगभग 15 से ऊपर रिक्त पद आए हैं मंत्रिमंडलों में, उसमें जो अहम जो चेहरे जीत के आए हैं उनको मौका मिल सकता है। वही अगर बात करें इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर दो नाम रिलीज कर रहे हैं, पहला नाम ब्रिजेश पाठक का और दूसरा नाम आपके ब्रिजेश पाठक भी यहाँ आ चुके हैं। जी देखिए ठीक पीछे ब्रिजेश पाठक आ चुके हैं और ब्रिजेश पाठक भी सीएम आवास के अंदर जा रहे हैं और सीएम से मुलाकात करेंगे। तो इस जो मंत्री यहाँ आने का क्रम है उसी क्रम से हम ये पता लगा सकते हैं कि आज जो भी मंत्री अंदर जा रहे हैं वो संभावित चेहरे हो सकते हैं। वही आपको बता दें कि पीछे जो लोक नृत्य है वो शुरुआत हो चुकी है, आपको वहाँ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर कहाँ से हुआ है और इस लोक जो गीत है जो लोक नृत्य जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन कलाकारों ने विशेष तरह की गाने पहन रखे हैं और एक घोड़े के एक ऐसे बेस मॉडल को पहनकर घोड़ा एक इंसान बना हुआ है, उसी क्रम में इसका नेतृत्व कर रहे इस डांस का नेतृत्व कर रहे हैं जो इसके संबोधन कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आप देखिए कि ये डांस काफी पूर्वांचल और बिहार के अंदर में फेमस है, कहीं इसे इसी के क्रम में कहीं इसको उल्का कहते हैं और कहीं इसे सरुराही कहते हैं, मगर ये आजमगढ़ का दतिया डांस है जो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर चल रहे हैं। जी आज बात करने की कोशिश करते हैं। जी अच्छा हमें ये बताएं कहाँ से आयोजन किया जा रहा है। धोबिया लोक नृत्य पार्टी लेकर पूरे डांस का नाम क्या है? डांस का नाम धोबिया लोक नृत्य और ये लोग पूर्वांचल के राजाओं महाराजाओं के साथ कोशिश ये नृत्य किया जाता था। आज का दोषी हमारे आदरणीय सम्मान मुख्यमंत्री जी पटक ग्राम लेंगे और उत्तर प्रदेश की पुनः प्रतिष्ठित बनाने का हाई काम बनाने का पद प्रदान करेंगे। अच्छा ये बताइए शपथ समारोह में क्या आपको भी बुलाया गया है? बुलाया गया अगले शपथ के बाद क्या आप शपथ समारोह में भी जाएंगे? और कहाँ से आपको गए हैं? हम लोग आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से आए हैं तो आजमगढ़ से आपको विशेष श्रोता देकर यहाँ बुलाया गया है। आजमगढ़ से विशेष श्रोता देकर बुलाया गया है। अच्छा भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की तरफ से आपको न्योता भेजा गया है? सांस्कृतिक विभाग सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश आपको बता दें कि सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से इस डांस के जो कलाकार है लविया डांस के जो कलाकार है उन्हें यहाँ बुलाया गया है आज के इस नृत्य को लेकर और आज के इस अपने लोक गीत को प्रस्तुति। यानी जिस तरह से हम पहले देखते थे कि राजा महाराजाओं के टाइम में जिस तरह से भव्य ताजपोशी होती थी उसी तर्ज पर आज का कार्यक्रम रखा गया है। जो कलाकार है उनको भी वैसे ही बुलाया गया है और ऐसे कलाकारों को बुलाया गया जो पहले राजा महाराजाओं के लिए भव्य कार्यक्रम की पेशकश करते थे और ये देख भी सकते हैं हम किस तरह से भव्य नृत्य पेश कर रहे हैं। अभी एकाना स्टेडियम भी जाएंगे, ऐसे कई कलाकारों को भी बुलाया गया है। विभांशु जी शिखा अगर बात करें तो आपने अभी सुना कि ये डांस जब राजा महाराजाओं की ताजपोशी होती थी उस वक्त ये डांस प्रदर्शित किए जाते थे और इनके जो कलाकार के जो मुखिया हैं जो संचालन कर रहे हैं और कह सकते हैं कि इन लोग के मास्टर हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये नृत्य जब राजा महाराजाओं की ताजपोशी होती थी तब होती थी और आज जो सूबे के मुख्यमंत्री जो कि दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी का उन्हें संभालने का जिम्मा दिया जा रहा है उनकी ताजपोशी पे ये लोग आए हैं। वही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस डांस के आप देख सकती हैं घोड़े की कमान घोड़े के एक मॉडल को एक व्यक्ति ने पहना है और हूबहू वैसे ही चल रहा है घोड़ा दौड़ते हुए दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये इस डांस से प्रदर्शित किया जा रहा है और इस डांस से ये भी प्रदर्शित किया जा रहा है कि इतिहास के पन्नों में अगर जाएं तो सालों पहले जो होता था राजा महाराजाओं के ताजपोशी के समय ठीक वही अभी जो लोकतंत्र आने के बाद जो उत्तर प्रदेश के सूबे के दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जा रहे हैं उनकी ताजपोशी पे भी ये नृत्य दिखाया जा रहा है। जी अगर बात करी जाए सीएम आवास की तो अभी तक कौन कौन पहुंच चुका है सीएम आवास में? विभांशु जी अगर बात करें तो ऐसे कई सारे बड़े चेहरे अंदर जा चुके हैं। वहीं अगर देखें तो अभी पूर्व कानून मंत्री और उप मुख्यमंत्री की वेश में जो दौर में है विशेष पाठक उन भी अंदर जा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आपके हरदोई से
विधायक बन के आए नरेश अग्रवाल, वो भी अंदर गए हैं, और साथ ही साथ आगरा से चुनाव जीत के आई उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। आपको बताना चाहेंगे कि संजय शोषित समाज जो उनकी पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की गाड़ी अंदर गई है, तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग काफी अहम होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें सहयोगी दल से लेकर रोहतास का तमाम बड़े चेहरे अंदर जा रहे हैं। और साथ ही साथ संभावित सहयोगी दलों की तो उनको किस तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है? जी अगर बात करें तो इस बार अपना दल सोनवाल ने लगभग 12 सीटें जीती है, वहीं अगर बात करें तो निषाद पार्टी ने 6 सीटें जीती है, तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर में उनका जो रोल होगा, जो ड्यूटी होगी, वो इस बार कहीं ना कहीं अपना दल में बढ़ेगी, क्योंकि उसके विधायकों की संख्या बढ़ी है। और कांग्रेस की बात की जाए, बसपा से बात की जाए, तो चाहे बात की जाए अन्य पार्टियों से, तो अपना दल एक काफी ग्रोथ के साथ उठी है, तो माना यह जा रहा है कि एक कैबिनेट मिनिस्ट्री और 2 राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो निषाद पार्टी के संजय निषाद को भी कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि कल विधायक दल की बैठक के बाद वहां पे मौजूद विधायकों में जो श्रेष्ठ विधायक दल का नेता चुनने का सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया, इसमें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी उनके साथ थे। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि जो वीआईपीज है, उन जो एमएलएज है, उनकी गाड़ी धीरे धीरे अंदर जा रही है, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे कि मगर अगर बात की जाए तो अभी किसी मंत्री की तरफ से दुकान नहीं खोली जा रही है। जी बिल्कुल, अभी कुछ खुलासा नहीं किया जा रहा है। विभांशु और लगातार बड़े चेहरे सीएम आवास जा तो रहे हैं, तो ये भी माना जा सकता है कि वहाँ पे एक अहम बैठक होगी जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में जिन चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देनी है, किसकी जिम्मेदारी बदलनी है और किसे फिर से वही जिम्मेदारी सौंपनी, इन सब तमाम चीजों पे चर्चा होगी। और इन चर्चा को ही देखने के बाद, करने के बाद, क्योंकि कहा गया था कि 12 बजे के बाद ही फोन किया जाएगा, मंत्रियों को बताया जाएगा कि उन्हें किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, या फिर जिम्मेदारी देनी है, या फिर उनको पदभार से मुक्त किया जाएगा। तो ये बात जो सामने आई थी कि 12 बजे के बाद ही उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाएगी, तो अब 12 बज चुका है, लगातार कई बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, बैठक करेंगे सीएम आवास पे और उसके बाद ही अब ये जानकारी दी जाएगी। तो अब वो समय आ गया है जब मंत्री को जानकारी दी जाएगी कि किसे पदभार मिलना है, किसे नहीं मिलना है। विभांशु, आप बात माफी चाहेंगे, ये कानपुर की महापौर की गाड़ी है और ये भी विधायक चुनी गई है कानपुर से, तो इनको भी अंदर बुलाया गया है। और वही अगर बताएं तो ये बैठक अनौपचारिक है, इसकी कोई सूचना नहीं थी, मगर इससे अर्थ ये निकाला जा सकता है कि जिनको कैबिनेट में जगह दी जा रही है उन्हें गुप्त तरीके से यहाँ बुलाया जा रहा है। विभाषु, क्योंकि कहा गया था कि कॉल के माध्यम से बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, लेकिन कुछ चुनिंदा चेहरों को बुलाया गया है सीएम आवास, यानी इन्हें जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। जी, तो जिन चेहरों को बुलाया गया है, क्योंकि इसकी जानकारी पहले से नहीं थी, कहा जा रहा था कि 12 बजे के बाद कॉल करके इन्हें जानकारी दी जाएगी कि इन्हें पद दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, तो तमाम चीजों को देखते हुए कॉल करने की बात कही गई थी, 12 बजे से पहले किसी को भी सूचना नहीं देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें बुलाया गया है सीएम आवास, यानी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है इन चेहरों को, इसे भी मंथन करने के लिए बुलाया गया है। एक बंधन में मंथन होगा जहाँ पे ये तमाम मुद्दों पे बातें होंगी, साथ ही साथ सहयोगी दल है उनके बीच की बातें होंगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मंत्रालय के मंथन होगा कि मंत्रालय किसको कितने दिए जाए, ये तो लगभग तय हो चुका है, मगर एक मंथन और जो गाइडलाइन दी जाती है कि आप जो भाजपा और उनके सहयोगी दल है उसके समक्ष विधायकों को एक गाइडलाइन भी दी जाएगी, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स भी दिए जाएंगे जो पहली मरतबा विधायक बन के आए हैं। और खास करके बात करें जब देवरिया से सलाह बड़ी की पार्टी, या बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने वाले सुरेंद्र कुशवाहा, ऐसे विधायक जो पहली बार सदन के अंदर में होंगे, तो उनको एक जो श्रेष्ठ विधायक उनकी तरफ से कुछ टिप्स दिए जा सकते हैं। वहीं इसी क्रम में आप देख सकती है कि एक और विधायक की गाड़ी अंदर आ रही है जो कि लखनऊ से ही है, और वही हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लगातार विधायकों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है, तो क्या विभाग ने फोन करके अर्जेंट
थी तो आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी गौतम जो कि विधायक चुन के आई है वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर आ चुकी है। लक्ष्मी गौतम को भी हो सकता है कि अहम उनको अहम किसी मंत्रालय में जगह मिल सकती है और लक्ष्मी गौतम अंदर जा चुकी है। तो शिखा देख सकते हैं कि धीरे धीरे लगभग जो विधायक है या जो पूर्व सरकार में मंत्री हुए हैं उनके आने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक पीछे आप देखिए कि एक और विधायक की गाड़ी आ रही है और इस विधायक अगर बात करें तो जी नहीं नहीं लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और तस्वीरों में देखा जा सकता है एक के बाद एक गाड़ियां विधायकों के पहुंच रही हैं। तो अहम बैठक अहम चर्चा होने वाली है सीएम आवास में, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। परवीन जी। लेकिन कोई कुछ भी कहने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। परवीन जी क्या कहना चाहेंगे मंत्रिमंडल? कितने मंत्री हो सकते हैं आपकी पार्टी से? जी शिखा अगर बात करें तो अभी गोरखपुर के पास बस्ती से खलीलाबाद के सांसद प्रवीण निषाद जो कि संजय निषाद के बड़े पुत्र हैं और ये गोरखपुर की सीट से भी सांसद रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट छोड़ी थी तो वहाँ बाय इलेक्शन हुए थे और 2017 की बाय इलेक्शन में प्रवीण निषाद चुन के आए थे मगर उनकी सीट बदली गई और उन्हें खलीलाबाद भेजा गया और खलीलाबाद से वो तत्कालीन सांसद हैं वो भी अंदर जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं देखे तो संजय निषाद के बाद उनके बड़े पुत्र और खलीलाबाद के सांसद प्रवीण निषाद भी अंदर जा चुके हैं। तो आजकल ये लगाई जा रही है कि उनसे सवाल पूछने पे पूछा गया कि कितने मंत्री हो सकते हैं और क्या रणनीति के साथ काम करेंगे तो उनका साफ तौर पे कहना कि गठबंधन के जो हम है उसको निभाएंगे और गठबंधन के तरफ से जो कहा जाएगा उस पर हम काम करेंगे। जी जी तो कई बड़े चेहरे कम से कम कितने विधायक पहुंच चुके हैं सीएम आवास में पहुंचू? विभाषु आप मुझे सुन पा रहे हैं? कितने विधायक अब तक पहुंच चुके हैं और अब कितने की पहुंचने की संभावना जताई जा रही है सीएम आवास पे? जी अगर बात करें तो ये सिलसिला लगभग 10 बजे से जारी है कि धीरे धीरे संगठन या जो पदाधिकारी हैं निषाद पार्टी या अपना दल या भाजपा के वो अंदर जा रहे हैं साथ ही साथ विधायक भी अंदर जा रहे हैं। तो इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता मगर ये कहा जा सकता है कि अंदर ठीक ठाक मात्रा में विधायक और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जिसमें आपने देखा कि अभी तमाम विधायक अंदर गए और उसी कड़ी में आपने देखा कि खलीलाबाद के सांसद और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बड़े पुत्र प्रवीण निषाद भी अंदर गए। जी शिखा जी तो लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, कई बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं लेकिन अभी कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि आखिर कौन कौन जुड़ रहा है, कौन कौन किसे जगह मिलेगी किसे नहीं मिलेगी, अभी सब कुछ गुप्त चल रहा है। विभाषु हर एक अपडेट पे नजर रखिए और हमें जानकारी देते रहिए कि कौन कौन पहुंच रहा है और अभी किसका पहुंचना बाकी है। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभाषु जुड़े थे तो अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, भव्य बनाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह को अलग अलग राज्यों से कलाकारों को बुलाया गया है उनकी प्रस्तुति के लिए और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा रहा है। जब सीएम आवास के बाहर आजमगढ़ से बुलाए गए थे कलाकार तो अब ये इकाना स्टेडियम के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे कलाकार पहुंचे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, भव्य प्रस्तुति करती हुई कलाकार नजर आ रही है और ये कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है अलग अलग राज्यों के जो नृत्य देखने को मिलेंगे आपको बता दें कि ये शाम तक शपथ ग्रहण समारोह तक ऐसे ही जारी रहेगा। भव्य बनाया जा रहा है, राजा महाराजाओं के समय जिस तरह से अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जाता था उनकी प्रस्तुति देने के लिए कुछ ऐसा ही नजारा आज भी देखने को मिल रहा है। आज पूरे देश ही नहीं दुनिया की भी नजर इस शपथ ग्रहण समारोह पे होगी क्योंकि राजा महाराजाओं की तरह ये आयोजित किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे भावी विधायक बलदेव सिंह औलख, सुनील बंसल पहुंचे सीएम आवास से, विधायकों को फोन जाना
अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री आवास से फोन पहुंचा। गोरखपुर में शपथ ग्रहण को लेकर उत्साह, बड़ी खबर सामने आ रही गोरखपुर से। गोरक्षनाथ मंदिर में हो रही पूजा अर्चना, मंदिर में विशेष पूजा आरती का आयोजन, विशेष पुजारी कर रहे पूजा आरती। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है गोरखपुर में शपथ ग्रहण को लेकर, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, गढ़ माना जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो वहीं तस्वीरों में देख सकते हैं विशेष पूजा अर्चना चल रही है, आरती का विशेष आयोजन किया गया, विशेष आरती का विशेष आयोजन, विशेष पुजारी कर रहे हैं पूजा आरती। सभी साधु संतों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के दोबारा पद संभालने को लेकर खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जिसमें साधु संत समाज के भी कई बड़े चेहरों को निमंत्रण भेजा गया है। काशी मथुरा से कई बड़े चेहरे जुड़े हुए हैं, कहीं पहुंच रहे हैं और काफी अहम जो सम्मान दिया गया, स्थान दिया गया शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, तो उसको देखते हुए भी काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे संत समाज के लोग। तो वहीं कान्हा स्टेडियम से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खबर में मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है इन कार्यक्रमों के द्वारा? बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम तरह से लोग यहां पर पहुंचे हैं, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वहीं बात की जाए लखनऊ एयरपोर्ट से कान्हा स्टेडियम की, तो लगभग कई जगह रास्तों पर भी रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा कान्हा स्टेडियम के बाहर भी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, ढोल ताशों के साथ खुशियां मना रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है जिस तरीके से एक बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ा वो हासिल हुआ है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम कार्यकर्ताओं में एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए तमाम तरह के प्रयास करे, तमाम तरह की मेहनत की। जी, तो राजा महाराजाओं की तरह इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश है, अलग अलग राज्यों से कलाकारों को बुलाया गया है, और क्या कुछ कार्यक्रम और प्रस्तुति देखने को मिल रही है कान्हा पे अजहर? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम के साथ कई कलाकार ऐसे हैं जो मौजूद हैं यहाँ पर, कई सांस्कृतिक कलाकार भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, गीत हो रहे हैं और तमाम तरह का जो नृत्य कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरीके से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की बात की जाए, तो लगातार जो वीवीआईपी का आना जाना है वो पूरी तरह से लगा हुआ, और अब से कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, और इसके साथ ही साथ सिक्किम के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और इसके अलावा बिहार के राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और तो जिस तरीके से तमाम जो वीवीआईपी हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं अब से, और लगभग 4 बजे कान्हा स्टेडियम पे सब एकत्रित होंगे और एक भव्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी जी अजहर, क्या समय दिया गया है सभी मेहमानों को पहुंचने के लिए? अजहर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो लगभग 4 बजे उन्हें वहां पर पहुंचना था कान्हा स्टेडियम, लेकिन फिर भी इस तरीके से उन्हें अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो वीवीआईपी हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, और लगभग 4 से 4:30 के बीच वो कान्हा स्टेडियम पहुंच जाएंगे। अब धीरे धीरे उनका आना जाना शुरू हो गया, 4 से 4:30 के बीच में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लगभग 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। जी जी अजहर, 4 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, रूट भी डाइवर्ट है तो काफी ट्रैफिक भी रहने वाला है आज, और 3:15 बजे तक लोगों को पहुंचने की हिदायत दी गई है, तो क्या लोगों को और पहले पहुंचना पड़ेगा जो अतिथि हैं, और जिस तरह से जो आम जनता जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है तो उन्हें और पहले पहुंचना पड़ेगा? बिल्कुल, आम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं यातायात थोड़ा बिजी जरूर होगा, आम जनता की बात करें तो उन्हें जल्दी पहुंचना जरूरी है, लेकिन वीवीआईपी की बात करें तो वो पूरी तरह रूट जो है वो पूरी तरह से निर्धारित है और पूरी तरह से साफ है, तो वीवीआईपी अपने निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगे और लगभग 4 बजे तक के तमाम वीवीआईपी जो है वो कान्हा स्टेडियम पहुंच जाएंगे। लेकिन आम लोगों की बात करें, जिस तरीके से आज रूट डाइवर्जन किया गया है इस कार्यक्रम को लेकर, एयरपोर्ट से लेकर कान्हा स्टेडियम तक के जो आम वाहन है उन्हें जाने का पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहां से आम वाहन के अलावा जितने भी बड़े वाहन है
जो कमर्शियल वाहन है उन्हें पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जो लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना है सिर्फ वही वहां पर पहुंचेंगे, और इसके अलावा तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो गाड़ियां पहुंचेंगी। लेकिन साफ तौर से आपको बता दें, जिस तरीके से जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है एयरपोर्ट पे, तो जब शुरुआत होती है एयरपोर्ट से निकलने की, तो यातायात पूरी तरह से रोक दिया जाता है। जो कानपुर से आने वाले लोग हैं या कानपुर की तरफ जाने वाले लोग हैं उन्हें पूरी तरह से रोक दिया जाता है, और जो वीआईपी मूवमेंट है वो जब शुरू होता है तो कहीं ना कहीं इससे असुविधा का सामना जरूर होता है, उनको थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आती हैं आम जनता को। लेकिन फिलहाल आज एक भव्य कार्यक्रम होना है और इसको लेकर तमाम जो खुशियां हैं वो देश भर में मनाई जा रही हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं और धीरे धीरे जिस तरीके से वीवीआईपीज का आना जाना शुरू हो गया है, तो लगभग 4 बजे जो वीवीआईपीज हैं वो एकाना स्टेडियम पहुंच जाएंगे। जी विभाषु, चाहेंगे आप अपने पीछे दिखाइए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से चेकिंग की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? अजहर जी, जी हम चाहेंगे कि आप अपने पीछे दिखाएं किस तरह से व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, किस तरह से चेकिंग चल रही है और क्या कुछ तैयारियां हैं। बिल्कुल शिखा, आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं। यहाँ पर हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, और यही वो रास्ता है जहाँ से तमाम भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ से निकलेंगे और सड़क मार्ग से होते हुए एकाना स्टेडियम की तरफ से जाएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से तैनात है। जी जी, मेटल डिटेक्टर तो लगाए गए हैं साथ में, और क्या कुछ तैयारियां हैं लोगों की जांच करने के लिए? स्वास्थ्य, जिस तरह से कोविड डेस्क भी बनाया गया है, कोविड टेस्ट कर, कोविड की जांच करने के बाद, टेम्परेचर नापने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति होगी, और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल शिखा, इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और अगर उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वो एयरपोर्ट में बने कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं और उन्हें पूरी सुविधा दी जाएगी। तो इसके अलावा तमाम मेटल डिटेक्टर के साथ साथ कोविड टेस्ट का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जो भी लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ एंट्री की जाएगी। जी, कम से कम कितने लोग आज इस एकाना स्टेडियम में मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण के दौरान? शिखा, सीटों की बात की जाए तो लगभग 70,000 सीटें हैं वहां पे अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं, तो लगभग लाखों की संख्या में वहां पर लोग जमा हो सकते हैं। और एक कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं और के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। जी जी, एकाना में जिस तरह से 4 गेट हैं तो उसमें वीवीआईपी के लिए 2 गेट निर्धारित किए गए हैं ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब एक साथ इतने लोग जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से गेट एकाना स्टेडियम के 4 गेट हैं, जिसमें पहले और दूसरे गेट में वीवीआईपी का इंतजाम, वीवीआईपी और वीआईपी का इंतजाम किया गया, वहीं तीसरे चौथे गेट की बात की जाए तो आम जनता वहां से प्रवेश करेगी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, तो इससे यातायात प्रभावित ना हो इससे जो डाइवर्जन है वो कर दिया गया है पूरी तरह से, और वीवीआईपी को आने जाने में कोई दिक्कत करना सामना करना पड़े, इससे जो गेट्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं, एंट्री जो है वो डिवाइड कर दी गई। जी जी बिल्कुल, क्या जिस वक्त सभी बड़े चेहरे मौजूद होंगे तो वहां पे जैमर भी देखने को मिल सकता है अजहर? बिल्कुल साफ तौर से शिकायत, 106 व्यवस्था का ये एक पूरी तरह से एक प्रोटोकॉल के तहत वहां पर जैमर बिल्कुल लगाया जाएगा, क्योंकि ये तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और उपमुख्यमंत्री हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहां पर जैमर भी लगाया जाएगा, और इसके साथ साथ ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी, और इसके अलावा डिटेक्टर के साथ साथ डॉग स्क्वाड भी वहां पर मौजूद होगा, तो तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में तमाम जो ऐसे वीवीआईपी हैं और साथ ही कलाकार, जो बड़े कलाकार हैं, जो सितारे हैं, वो भी मौजूद होंगे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जो इंतजाम है वो उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से किया गया। जी जी, अगर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो सभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तो कर दी गई है, ड्रोन के अलावा और कौन कौन से उपकरण हैं जिनसे नजर रखी जाएगी सभी मेहमानों पे और सुरक्षा व्यवस्था पे?
जी बिल्कुल शिखा, ड्रोन के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और इसके साथ साथ जैमर जैमर के साथ साथ तमाम मेटल डिटेक्टर एंट्री गेट्स पर मेटल डिटेक्टर के साथ साथ वहाँ पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। इसके साथ साथ चप्पे चप्पे भी पुलिस बल भी तैनात है, सीआरपीएफ फोर्स भी तैनात है। तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस कार्यक्रम में एक भारी मात्रा में लोग मौजूद होंगे और इसके साथ साथ कई ऐसे वीवीआईपी है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, अलग अलग देश के अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इसमें शामिल होंगे। कई ऐसे फिल्मी सितारे हैं, इस तरीके से ये भी बात कही जा रही है कि मशहूर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन भी मौजूद हो सकते हैं। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से निगरानी की जा रही है और तमाम ऐसे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जिससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनी है। जी जी, अजहर अगर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, क्या आसपास के एरिया में आम जनता द्वारा ड्रोन उड़ाना भी बैन होगा? क्या धारा 144 लागू की जाएगी इकाना के आसपास? बिल्कुल शिखा, ये गाइडलाइंस तो बीते दो दिनों से ही जारी है कि कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति जो उस ठिकाना के पास से भी और लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति वहां पर स्टे नहीं कर सकता, उनको साफ तौर से ये हिदायत दी गई है, उन्हें मना भी किया गया है। और उसके अलावा कोई भी आदमी वहां पर पतंग उड़ाने की पूरी भी अनुमति नहीं दी गई है और पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है और ये गाइडलाइंस प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है। कोई भी जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, कोई भी दोस्त हो, उन्हें वहां पर स्टे नहीं करना है जब तक कि ये कार्यक्रम नहीं हो जाता। जी, एक अहम चीज ये भी है कि जिस तरह से पंछियों को भी देखा जाता है, अगर कोई ऐसी घटना करना चाहे या फिर कोई उपद्रवी हो, पंछियों के माध्यम से अगर कुछ हो तो उनपे कैसे नजर रखी जाएगी? बिल्कुल शिखा, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, ड्रोन से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की ये बात की जाए तो फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं तो उसके उसको लेकर ड्रोन से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी उस परिसर की जा रही है। तो फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षा चार चौक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजहर। हर एक अपडेट पे नजर रखिए, हमें जानकारी देते रहिए और हर खबर हम तक पहुंचाते रहिए ताकि हम दर्शकों को पल पल की अपडेट देते रहे। तो आज एक भव्य दिन है जहां आज सीएम योगी का दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से उन्हें बहुमत मिली और बहुमत के बाद उन्होंने दोबारा से सत्ता अब संभाल लेंगे। आज संभालेंगे, शाम 4 बजे का वो समय है जब वो शपथ ग्रहण करेंगे और 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे बृजेश पाठक, गिरीश यादव, सतीश शर्मा सीएम आवास पहुंचे, बेबी रानी मौर्य पहुंची सीएम आवास। जयवीर सिंह, गिरीश यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, विधायकों को सूचना दे रहे सुनील बंसल। शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे बृजेश पाठक, गिरीश यादव, सतीश शर्मा सीएम आवास पहुंचे, बेबी रानी मौर्य पहुंची सीएम आवास। जयवीर सिंह, गिरीश यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, विधायकों को सूचना दे रहे सुनील बंसल। शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे बृजेश पाठक, गिरीश यादव, सतीश शर्मा सीएम आवास पहुंचे, बेबी रानी मौर्य पहुंची सीएम आवास। जयवीर सिंह, गिरीश यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, विधायकों को सूचना दे रहे सुनील बंसल। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।